Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न यह है कि हमने सूर्यास्त के समय प्रतिक्रमण किया, दिन भर के पापों की आलोचना कर ली, उसके बाद थोड़े बहुत घंटे हमने जिया, फिर हम सो गए, सुबह जागे, वापस प्रतिक्रमण करना बैठे, तो हम वही प्रतिक्रमण जो सूर्यास्त के समय कर रहे थे, सेम पाठों से हम सूर्योदय के पहले भी प्रतिक्रमण वापस कर रहे हैं। पहले देवसी प्रतिक्रमण किया, अब रायसी प्रतिक्रमण कर रहे हैं। पर हमने रात में ऐसे क्या पाप किए जो कि हम सुबह उठ करके वापस सेम प्रतिक्रमण कर रहे हैं? हम इतने पाप तो रात में करते ही नहीं है, फिर हम सुबह उठ करके वापस सेम पाठों से द्वारा प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? ये प्रश्न है आपका। देखिए, प्रतिक्रमण एक जागृत विधान है। प्रतिक्रमण आपकी समझ और विवेक के द्वारा आत्मनिरीक्षण करने की विधा का नाम है। प्रतिक्रमण फिक्स पाठों को फिक्स पैटर्न में रिपीट एंड रिपीट करने की प्रक्रिया नहीं है। ये प्रश्न इसलिए पैदा हुआ दो कारणों से, क्योंकि एक तो हमें प्रतिक्रमण का मतलब समझते हैं हम कि सेम पाठों को रिपीट करना, हम प्रतिक्रमण की साइंस नहीं जानते, इसलिए ये क्वेश्चन पैदा हुआ, फर्स्ट रीजन। एंड द सेकेंड रीजन कि हम पाप और अतिक्रमण करते कैसे वो भी हमें नहीं पता। मतलब कोई व्यक्ति प्रतिक्रमण तब करे जबकि उसको अतिक्रमणों का तो पता हो कि उसने अतिक्रमण क्या किए हैं, लेकिन जब हमें अतिक्रमणों का विज्ञान ही नहीं पता तो हम प्रतिक्रमण कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन के पैदा होने के पीछे दो बड़े कारण है, ना तो हमें प्रतिक्रमण की साइंस पता ना अतिक्रमणों की। एक आदमी को जो बीमार है उसको स्वस्थ होना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? एक बीमार आदमी को स्वस्थ होना है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा? प्रिकॉशंस लेना, डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना, और एग्जैक्टली उसको पहले ये जानना होगा कि उसकी बीमारी क्या है। उसको अपनी बीमारी को डायग्नोज करना होगा कि उसकी बीमारी क्या है। जब तक वो बीमारी को ही डायग्नोज नहीं करता है तो किस बात का प्रिकॉशन ले? भाई आपने दाल चावल छोड़ दिया, पर आपको पता नहीं दाल चावल से प्रॉब्लम हो रही थी या आपको सब्जी रोटी से प्रॉब्लम हो रही थी? आपको किस खाने से प्रॉब्लम हो रही थी वो तो पता तब चलेगा जब आपको पहले बीमारी का तो पता लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, वी शुड डायग्नोज आवर डिजीज। हमें प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, हमको उसको तो डायग्नोज करना होगा ना। तो इनका क्वेश्चन है कि हम सुबह शाम सेम प्रतिक्रमण करते हैं तो उससे महत्व क्या है इस प्रतिक्रमण का? अरे भैया, पहले अपने अतिक्रमणों को तो जान लो कि अतिक्रमण क्या क्या करते हो। ये तो क्या पता शाम के प्रतिक्रमण में भी अतिक्रमणों का इलाज हुआ भी या नहीं हुआ। शाम का प्रतिक्रमण है सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में, जहां जहां मन वचन काया से हम आउट ऑफ ऑर्डर हुए वहां वहां से रीऑर्डर होना। ठीक ऐसे ही सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक में आप दोबारा जब प्रतिक्रमण करने बैठोगे तब आप देखोगे कि पिछले 12 घंटे में कहां कहां आउट ऑफ ऑर्डर हुए। अब आउट ऑफ ऑर्डर होने का मतलब क्या? आपने शाम का प्रतिक्रमण किया, उसके बाद में सपोज आपने शाम का प्रतिक्रमण 8 बजे पूरा किया और आप सोए हो 10 बजे 12 बजे, इस दरमियान आपने क्या क्या बातें करी, किस किस की निंदा चुगली करी, किस किस के कामों में इंटरेस्ट लिया, किस किस जगह पर अपने आवश्यक कर्तव्य पूरे नहीं किए, किस किस जगह पर आपकी बॉडी डिस्टर्ब रही, माइंड डिस्टर्ब रहा, फालतू चिंता करते रहे, सोचते रहे, टीवी चला के बैठे, घंटों किसी के साथ फोन पर बतियाते रहे, सीरियल्स देख करके स्टोरी में रस लेने लग गए। पता लगा सीरियल्स तो लेडीज़ को बहुत पसंद है ना, जनरली लेडीज़ को सीरियल्स में बड़ा इंटरेस्ट रहती है और उसके साथ स्टोरी बनाती रहती है। तो कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसका पता करो। पहला तो ये जागने के क्षणों में, ठीक है,
और अक्सर लोग रात को जब सोने जाते हैं उसके पहले सावधान नहीं रह पाते, अपने मन को विशुद्ध करके, जो सबसे क्षमा बना करके संतारे के पाठ सहित सोना चाहिए, वो अक्सर नहीं सोते हैं। हम लोग सोते वक्त भी बहुत सारी इच्छाओं, चिंताओं, तनावों से घिरे रहते हैं और वो आधी अधूरी कल्पनाओं में घूमते घूमते हमको कब आँख लग जाती है, कब नींद आ जाती है, उसका पता ही नहीं लगता। और फिर पूरी रात नींद में क्या किया भाई, कुछ खुश है कि नींद में कहाँ चले गए थे? नींद में सब लोग घूमने जाते हैं ना, और सबसे ज्यादा सैर हम नींद में ही करते हैं। जितनी वॉकिंग टॉकिंग सब कुछ नींद में होती है उतनी जागते में भी नहीं होती है। हाँ, और अक्सर नींद में क्या होता है, जो दिन भर की इच्छाएं दबा दी गई ना वो सब नींद में भोग ली जाती है, सपनों में, जंजाल में। आदमी सबको भोगता है, जैसे आप बहने बड़ी इच्छा है मायके जाने की, सास जाने नहीं दे रही, बड़ी इच्छा किसी फ्रेंड से मुलाकात करने की, कर नहीं पा रहे, सपनों में मायके जाया होगे, सपनों में फ्रेंड से मुलाकात करा होगे। ये भाई लोग हैं, इनकी बड़ी इच्छा होती है कहीं बड़े अच्छे ड्रेसेस के साथ में बड़े बड़े होटल्स में घूमे या फॉरेन में घूमे, कई बार नहीं घूम पाते तो सपनों में जाके घूम आते हैं, है ना। तो सपनों में न जाने कितने लोगों के साथ हम कहाँ कहाँ क्या क्या कराते हैं। सुबह उठ के कौन खोजता है, कौन याद करता है कि मैं रात कहाँ था? कोई याद करते? किसी दिन सुबह उठ करके हमने सोचा कि मैंने रात में अतिक्रमण क्या क्या किया, सपनों में कहाँ चला गया था, आउट ऑफ ऑर्डर कहाँ कहाँ हो गया था? नहीं सोचते। और जबकि हम दिन में जितने कर्म बांधते हैं कई बार उससे ज्यादा कर्म हम रात की नींद में बांध लेते हैं, क्योंकि रात की नींद के अंदर वो दोस्त और दुश्मन दोनों हम ही बने होते हैं। हमारा मन दोनों पक्षों की दलीलें दे रहा होता है। सपोज एक बहू है, सो गई है, दिन भर में सास से प्रताड़ित थी, सास को कुछ बोल नहीं पाई ना, तो सपने में सास की भी दलीलें बोल रही है, खुद की भी दलीलें बोल रही है, दोनों तरफ से बहसबाजी चल रही है। सुबह उठ करके तो सास के सामने एकदम बढ़िया, और रात को नींद में सारी भड़ास निकाल लेती है। तो वो जितने सास के संबंध से बोली, खुद के संबंध से बोली, दोनों संबंध से बोली, कौन बोली, वो खुद ही तो बोली। दिन में तो शायद आप और आपका एनिमी लड़ रहा है, तो वो उसके कर्म, वो आपके कर्म आप बांध रहे हो, पर सपने में तो दोनों ही पक्ष आपके दिमाग में घूम रहे हैं। सारा युद्ध तो प्रसन्नचंद राजऋषि के मन में कैसे हो रहा था वैसे चल रहा होता है ना, खुद ही वार, खुद ही प्रतिवार किए जा रहे होते हैं, खुद ही दोनों सामने वाले पक्ष के बारे में भी बोले जा रहे होते हैं, अपने बारे में भी बोले जा रहे होते हैं। सपने में क्या कुछ नहीं करते हो? मन का अवचेतन भाग मेरा क्या क्या आरंभ कर जाता है, शंकित कंकित विति गच्छित हो फिर बंधन को पाता है। रात नींद में मन का अवचेतन भाग मेरा क्या क्या आरंभ कर जाता है, क्या क्या स्टोरी बोल लेता है, शंकित डाउटफुल, कंकित डिजायरफुल, वितिगच्छित हो, वितिगच्छित मतलब हिपोक्रेटिक, अंदर कुछ बाहर कुछ, शंकित कंकित वितिगच्छित हो फिर बंधन को पाता है। और नींद में क्या कर लेते हैं हम, मैथुनि आहार वचन दृष्टि काया प्रमाद की हर हलचल, भय गौरव लाभ निमित कोई शैया सुख इच्छा चहल पहल। मैथुन नींद में सेक्स, आहार भोजन, वचन कई लोग बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, नहीं आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि आप तो नींद में थे, आपके तो साथ सो रहा था, उसको पता लगेगा कि आप नींद में क्या कुछ बोल रहे थे। कि लोग डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं नींद के अंदर में। और एक भाई तो मुझे यहाँ तक मिला जो कहता है कि महाराज साहब मैं तो कई बार नींद में अपने चद्दर फाड़ देता हूँ। मैंने कहा क्यों, कि दिन भर कपड़े की दुकान पे कपड़ा फाड़ फाड़ के लोगों को देता हूँ। नींद में चलने वाले भी लोग हैं जो चल देते हैं, बातें करते रहते हैं,
जगत में ऐसी बातें बता रही है कि नींद के अंदर लोग जाकर के खून तक कराते, हत्या तक कराते, हिंसा तक कराते, सामान इधर का उधर रख रहे थे, ऐसे दौड़ के पूछते वो किसने रखा था, खुद नहीं रखा, लेकिन उनको नहीं पता क्योंकि नींद में थे। और नींद में कितने तरह की है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्थानवृद्धि, है ना, पांच तरह की नींद का वर्णन तो दर्शनावनीय कर्म के भेदों में बताया गया है। तो आदमी रात नींद में कितने तरह के कर्म कर लेता है, लेकिन सुबह उठ करके आपको अपनी इन सारे कर्मों पे दृष्टिपात करना होता है कि मैंने क्या क्या किया। पर हम लोग नहीं सोचते क्या क्या किया, हम लोग पहाड़ी पाठों को रिपीट करते हैं, मिच्छा मिलकुलम बोल देते, बात खत्म। तो सुबह का प्रतिक्रमण थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें निद्रा दोष मुक्ति होता है और उसमें आपको अपने अनुरूप देखना होता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या आउट ऑफ ऑर्डर किया। और फिर व्रतों की आलोचना इस अपेक्षा से कर सकते हो कि हो सकता है काया से भंग ना किए हो, पर नींद मन से भंग करके उसका आलोचना करो। और फिर सुबह उठ करके प्रतिक्रमण में आज के दिन के लिए वापस नए प्रत्याख्यान लो, नए संकल्प लो, आज की विशुद्धि के लिए अपने आप को प्रेरणाएं दो और सुबह के टाइम में अरहंत सिद्ध परमात्मा की स्तुति करो। सुबह के अलग कुछ विधान होते हैं, शाम के कुछ अलग विधान होते हैं, लेकिन बहुत खेद की बात है कि हम सारे लोग इन सारे विधानों के विज्ञानों को जाने बिना केवल प्रचलित रिवाजों को पूर्णतया समझे बिना फॉलो करते हैं। हम कह रहे इसको समझ के फॉलो करो तो प्रज्ञा पैदा होगी। और अच्छा किया आपने क्वेश्चन तो किया, वरना सैकड़ों लोग रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण के पाठों को रिवाइज करते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो जी रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ, इन सब में तालमेल है कि नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं कहती हूँ एक एक प्रश्न जगाओ, आप जो भी क्रिया करते हो हर एक क्रिया के प्रति प्रश्न जगाओ, ये क्रिया क्या है, ये क्रिया क्यों है, इस क्रिया का महत्व क्या है, इस क्रिया से परिणाम क्या है, और वो परिणाम तक मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, और मैं अगर उसको चूक रहा हूं तो क्यों चूक रहा हूं। हर एक जगह पर सवाल उठाओ, तो वही सवाल जब जवाब बनेगा तो आपके भीतर में परिवर्तन लाएगा। सुबह का टाइम का प्रतिक्रमण शाम के प्रतिक्रमण से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो चल रहा रिवाज है उसमें नहीं, अगर समझ पूर्वक करोगे तो उसमें होगा। शाम के प्रतिक्रमण में निद्रा दोष का पाठ नहीं होता, सुबह के प्रतिक्रमण में होता है, लेकिन जो चल रहा रिवाज है उसमें या तो दोनों में होता है या दोनों में नहीं होता। मतलब गृहस्थ जो श्रावक लोग हैं जो निद्रा दोष भक्ति का पाठ करते ही नहीं है, वो सुबह शाम कभी नहीं करते, जो करते हैं वो दोनों टाइम कर लेते हैं। लेकिन जाग पूर्वक, होश पूर्वक, अर्थ पूर्वक, समझ पूर्वक कर ही नहीं पाते, वो करो। तो सुबह का प्रतिक्रमण थोड़ा डिफरेंट होगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे व्रतों की आलोचना नहीं करनी होगी जो आपने नहीं किए हैं, जो आपने ग्रहण ही नहीं किए। पहली बात आप प्रतिक्रमण के स्वरूप को समझो तो ये क्वेश्चन पैदा होगा कि जिस व्यक्ति ने 12 व्रत ग्रहण ही नहीं किए हैं वो 12 व्रतों के पाठ का प्रतिक्रमण कैसे कर सकता है। जिसने कोई रूल लिया ही नहीं है, कोई स्कूल में एडमिशन लिया ही नहीं है, कोई संस्था का वो मेंबर बना ही नहीं है, उस संस्था के रूल्स को तोड़ने का पाप उसको कैसे लग सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि पहले प्रतिक्रमण की साइंस को तो समझो। यहां बच्चों को भी सेम प्रतिक्रमण, बड़ों को भी सेम प्रतिक्रमण, बूढ़ों को भी सेम प्रतिक्रमण, हर व्यक्ति केवल सेम पार्ट बोल रहा है लेकिन उसकी समझ नहीं है उसके पास में, तो द्रव्य क्रिया हो रही है, उपयोगयुक्त क्रिया नहीं हो रही। और उपयोगयुक्त क्रिया ना हो तब तक वो क्रिया सार्थक नहीं होती। तो 12 व्रतों का प्रतिक्रमण नहीं होता हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने 12 व्रत ग्रहण नहीं किए। आपने जितना व्रत लिया है उतने व्रतों का प्रतिक्रमण करो, और अगर कोई भी व्रत नहीं लिया है तो भी 5 व्रत ऐसे हैं जिनका भावना भा सकते हो, क्योंकि 5 व्रत स्टार्टिंग के 5
वो एक नैतिक नियम भी है कि आप किसी की हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, अपनी मर्यादित भार्या और परिग्रह के सिवा किसी अन्य के प्रति लालच और अमर्यादित भोग ना करो, ये आपका एक सामान्य नियम भी हो सकता है। तो जहां सामान्य नियम से भी चूक गए उसका प्रतिक्रमण करें। और एक बच्चे को प्रतिक्रमण की अलग समझ दो, बड़ों को अलग समझ दो, उनको समझ आए कि उन्होंने कहाँ का अतिक्रमण किया। जैसे क्लास स्टूडेंट स्कूल जाता है तो उसने क्लास में कहाँ आज टीचर के बारे में, कहाँ सब्जेक्ट के साथ में, कहाँ नकल करी, कहाँ चोरी करी, कहाँ किसी की कॉपी करी, वो अपना प्रतिक्रमण अलग तरीके से करेगा। एक व्यापारी वो अपना प्रतिक्रमण अलग तरीके से करेगा कि आज उसने बेल मिलावट कहाँ की, किसको जवान दे रखी थी कि आज मंगलवार के दिन पैसा ले जाना और आज जान बुझ करके वो उस व्यक्ति का फोन ही नहीं उठा रहा था ताकि पैसा ना देना पड़े। तो उसको अपनी गलती दिखनी तो चाहिए ना, लेकिन बहुत खेद की बात है, इतनी सुंदर विधा हमारे पास है जिससे हर व्यक्ति अपनी क्लिनजिंग कर सकता है, अपना शुद्धिकरण कर सकता है, उस विधा को भी हमने एक रिवाज बना के छोड़ दिया। इतना सुंदर विधान हमारे पास है और इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जैनों का ये प्रतिक्रमण शब्द नहीं है पता, इस प्रतिक्रमण की प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपना प्रतिक्रमण करते हैं, हर दिन सोचते रात सोने से पहले कि आज दिन भर में कहाँ कहाँ वे आउट ऑफ ऑर्डर हुए, कहाँ कहाँ अनावश्यक किया, कहाँ कहाँ आवश्यक नहीं किया, आज वे ईमान से कहाँ भटके, नैतिकता से कहाँ पतित हुए, कहाँ किसी की लाइफ को डिस्टर्ब किया, कहाँ अपने आप को डिस्टर्ब किया। पर हमारे यहाँ में बहुत सारे लोग जो प्रतिक्रमण के पाठों को रोज रिपीट करते हैं ना, वे कभी नहीं सोचते कि वे खुद कितने डिस्टर्ब है और कितने को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वे अपने डिस्टर्ब होने का भी प्रतिक्रमण नहीं करते कि मैं डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि ये भी सोचने का विषय है कि आप डिस्टर्ब क्यों हुए, आप आज तनाव में क्यों रहे, आपने तनाव में रहे तो आपने प्राणों का अतिपात किया। और प्राण तो प्राण है, चाहे किसी के भी हो, खुद के हो या किसी और के हो, प्राण तो प्राण है, प्राणों का अतिपात प्राणातिपात है। विराट गुरु जी कहा करते कि प्राणों में कोई भेद नहीं है, वो स्व का हो या पर का हो, प्राण तो प्राण है। जैसे आप सोचते हो कि घर का भोजन वेस्ट ना करो लेकिन रेस्टोरेंट का भोजन वेस्ट करो, और रेस्टोरेंट का भोजन वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि पैसा देना पड़ता है, लेकिन किसी की शादी में गए और वहां का भोजन वेस्ट करते हो तो आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ा, शादी का ही तो भोजन था। नहीं, एक कॉमन सी साइकोलॉजी इन इंडियंस में हम लोगों में पाई जाती है कि जो चीजें हमें मुफ्त का माल मिलती है या किसी और की चीज होती है उसको वेस्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिस चीजों में हमें अपना पैसा देना पड़ता है वहां हम कॉशियस रहते हैं, बाकी जगह पे नहीं रहते। नहीं, होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो शायद पैसे को वेस्ट नहीं करोगे, खाने को वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन किसी की शादी ब्याह में जाओगे, किसी की घर के फंक्शन में जाओगे, किसी और का पार्टी, किसी और की तरफ से पार्टी हो रही है तो तुम आराम से चीजें वेस्ट करके आ जाओगे। प्रतिक्रमण करो ना, प्राण तो प्राण है, भोजन तो भोजन है, चाहे किसी का भी भोजन क्यों ना हो, पैसा तो पैसा है चाहे किसी का भी पैसा क्यों ना हो, सामान तो सामान है चाहे किसी का भी घर का सामान क्यों ना हो, स्थान तो स्थान है चाहे किसी भी स्थान को अपने अशुद्ध किया हो तो क्यों किया। लेकिन हम लोग सोचते हैं अपने घर से सामान निकालो पड़ोसी की छत पे फेंक दो, या अपने घर से कचरा निकालो गली में फेंक दो। अरे भाई, घर से निकाला गली में फेंका, अतिक्रमण तो हुआ ना, गली कौन सी आपकी थी कि जो आपने फेंक दिया, और गली के कचरा किया तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी, आप ही सफाई करो। लेकिन इतना कौन सोचता है अपने यहाँ, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो कैसे करोगे आप प्रतिक्रमण, समझ के करो, समझो कहाँ का अतिक्रमण होता है उसका प्रतिक्रमण करो, और तब आपका प्रतिक्रमण एक जागृत प्रक्रिया होगी और वो जागृत प्रक्रिया आपको परिवर्तित करेगी, रूपांतरण लाएगी, पुराने दोष गलतियां कमियां आलस्य लापरवाही ये हटेंगी तो सही अर्थों में प्रतिक्रमण की घटना घट पाएगी। जय हो।